दोस्तों बाहुबली फिल्म ने सिनेमा जगत में अब तक आए सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब चली थी। इस फिल्म में दिखाई देने वाले सभी किरदार लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। आलम ये था कि इस फिल्म के हिट होने के बाद सभी कलाकारों ने अपने दाम दुगने कर दिए। ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज हुई थी। फिल्म के पहले पार्ट के खत्म होते ही एक किरदार बहुत पॉपुलर हुआ था और ये किरदार है कटप्पा। फिल्म के पहले पार्ट के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल हुआ करता था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हालांकि फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होते ही सभी को इस सवाल का जवाब मिल गया। कटप्पा का रोल करने वाले शख्स का असली नाम सत्यराज। इनके दो बच्चे हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का नाम दिव्या है और आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी बाहुबली 2 देखी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों कटप्पा की बेटी दिव्या दिखने में बेहद खूबसूरत है। दिव्या को फिल्मी दुनिया से दूर रहना पसंद है, यही वजह है कि मीडिया में उनकी बहुत कम तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन आज हम खास तौर पर आपके लिए दिव्या की कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए हैं जिसमें वो भला की खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपका दिल भी दिव्या पर आ जाएगा। सत्यराज के अनुसार उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फिल्मों में आने के लिए जोर नहीं दिया। सत्यराज कहते हैं कि यदि उनके बच्चे फिल्मों में अपनी मर्जी से आना चाहते हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन यदि वो किसी और फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वह हर पल अपने बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिव्या एक न्यूट्रिशनिस्ट है और वह अपना काम ईमानदारी और लगन से करना पसंद करती है। दिव्या अपनी लाइफ कुछ नियम कायदों से जीना पसंद करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उन्होंने आज तक अपने पिता के नाम और पैसों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, यही वजह है कि वो फिल्मी लाइट से काफी दूर है। हालांकि जब से दिव्या की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है, उनके चाहने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। कई लोगों का कहना है कि दिव्या बेहद खूबसूरत है और उन्हें फिल्मों में जरूर आना चाहिए। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कटप्पा की बेटी को भी फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।